Well, so as the topic says, it's human eye and optical instrument. First, we'll do human eye a little, and then we'll go for optical instruments. Human eye क्या है? It behaves like a simple camera. Camera में क्या होता है? एक lens होता है और एक screen होता है. एक object का image वो screen में form होता है. So हम लोगों का eye के लिए क्या होता है? For our eye, it has got a shape something like this. So, यहाँ पर सिलियरी मसल्स होता है, एक लेंस होता है, लेंस को पकड़ के रखते हैं और ये वाला बैकवर्ड पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज अ रेटिना, व्हाट वी कॉल रेटिना, एंड ये लेंस में से रेज जाके रेटिना में कन्वर्ज करता है, तभी हम लोगों को इमेज देखने को मिलता है. और ये लेंस से सामने दो एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वासिमर. दिस इज एक्वासिमर और एक खाने खाके विट्रियस ह्यूमर, राइट. सो ये एक्वासिमर और विट्रियस ह्यूमर का काम ही है रिफ्रैक्शन करवाना, जिसके कारण रेज ऑफ लाइट जाके वहां पर रेटिना रेटिना में मीट करता है. आई लेंस होता है सिर्फ फॉर फाइनर एडजस्टमेंट्स, मतलब अगर थोड़ा दूर ले जाते हैं कोई चीज या थोड़ा सामने ले आते हैं तब भी हम लोग को दिखता है ना. कैसे दिखता है? बिकॉज द आई लेंस एडजस्ट द फोकल लेंथ. कैसे एडजस्ट करता है? विद द हेल्प ऑफ मसल्स और सिलियरी मसल्स. वो सिलियरी मसल्स क्या करता है, ये जो क्रिस्टलाइन आई लेंस है उसका शेप थोड़ा सा कन्वेक्स या कनकेव बना सकता है, उसके हिसाब से फोकल लेंथ एडजस्ट होता है, ठीक है. बट रिमेंबर, दिस इज व्हाट वी कॉल एकोमोडेशन ऑफ आई. हम लोग क्लियरली एक सर्टेन डिस्टेंस तक, अगर आई इज करेक्ट, your eye is correct, then you can clearly see up to 25 cm without straining your eyes. मतलब eye से 25 cm distance तक हम लोगों को clearly दिखता है without straining our eyes. उससे कम distance में भी दिखता है, लेकिन तब क्या होता है? Eyeball pain होने लगता है. Why? Because your ciliary muscles strain the eye lens to make the rays focus at the retina. Is that clear? So 25 सेंटीमीटर इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन. क्या बोला जाता है? डिस्टिंग्विशन फॉर अ करेक्ट आई. नाउ फॉर आईज हैविंग प्रॉब्लम दिस मे चेंज, और वो कैसे चेंज करता है वो हम लोग पढ़ेंगे. ऑलराइट, पहले जस्ट राइट दिस डाउन. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, डिस्टिंग्विशन for normal eye is 25 centimeters. For normal eye is 25 centimeters. ठीक है? For normal eye is 25 centimeters. इसका मतलब ये नहीं है कि 25 centimeters के से नजदीक कुछ रहेगा तो हम लोग देख नहीं पाएंगे. Of course we can see them, but that will create strain in our eyes. जिससे क्या होगा? The eye may have affected situations. Now there are some defects of vision that in general most of many people do have. So we classify these defects of vision into four basic categories. The categories of defect has to be learned, what are the reasons for those defects has to be learned, and how to rectify the defects has to be learned. Yes, so we make up three columns, actually chapter four columns. First is the name myopia. Myopia is also called nearsightedness. Nearsightedness. Nearsightedness means हम लोगों को नजदीक का चीज दिखता है लेकिन दूर का चीज नहीं दिखता. नियर साइटेडनेस का मतलब है, नियर साइटेडनेस का मतलब है जहां पर नियर का चीज दिखता है लेकिन दूर का चीज, दैट इज व्हाट यू कॉल मायोपिया. ठीक है, अब मायोपिया में फर्स्ट इज सिम्टम. सिम्टम क्या है? कैन सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स, क्लोज ऑब्जेक्ट्स, कैन नॉट see far objects or distant objects.
ठीक है, हेडिंग दे देना आई डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स, नेम सिम्टम। अब रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, ये क्यों होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल को नेगेटिव क्यों पावर लग जाता है? This is purely genetic, ठीक है? हाँ, ये genetic है। अच्छा, हाँ, और ये क्यों होगा? वो इसलिए ना, precision क्यों होगा? Well, reason क्या होगा? What will be the reason? या उसका जो लेंस है, आई लेंस है, वो ज्यादा कन्वेक्स बन जाता है। मतलब रीजन इधर आई साइज इंक्रीज और आई लेंस बिकम्स मोर कन्वेक्स, आई लेंस बिकम्स मोर कन्वेक्स, उससे प्रॉब्लम क्या होता है? ये रेज ऑफ लाइट जो इंफिनिटी से आता है ना, उसको आइडियली कहां पर कन्वर्ज करना चाहिए? रेटिना में कन्वर्ज करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर कन्वेक्सिटी बढ़ जाता है या आई का साइज बड़ा हो जाता है, तो वो रेटिना से पहले ही मीट कर जाता है। They meet before retina. रेटिना से पहले मीट कर जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट अ व्हाट इमेज, ब्लर्ड इमेज। तो इसीलिए हम लोग रेक्टिफिकेशन क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन क्या करते हैं, हम लोग एक कंकेव लेंस लगा देते हैं आई के सामने, जिसका पावर नेगेटिव होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ अस वी हैव गॉट नेगेटिव पावर। क्यों कंकेव लेंस लगाते हैं? कंकेव लेंस लगाने से ये रेज ऑफ लाइट थोड़ा डाइवर्ज करवा देता है, तो जो जहां पर कन्वर्ज कर रहा था उससे थोड़ा बाहर जाके रेटिना के ऊपर वो कन्वर्ज करता है, राइट? पहले कन्वर्ज कर जा रहा था तो उसको थोड़ा डाइवर्ज करवा देंगे तो वो थोड़ा बाद में जाके कन्वर्ज करेगा, तब वो रेटिना के ऊपर जाके कन्वर्ज करता है। समझ में आया? सो द रेक्टिफिकेशन इज यूजिंग अ व्हाट, लाइक व्हाट लेंस? कॉनकेव लेंस। ऑलराइट, सेकंड प्रॉब्लम इज हाइपरमेट्रोपिया। दिस इज फारसाइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया या फारसाइटेडनेस किसलिए होता है, क्या सिम्टम क्या होता है? कैन नॉट सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स, कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स, माने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स दिखता है, इसीलिए लोगों को फार साइटेड बोलते हैं, ठीक है? रीजन क्या है? ऑब्वियसली आइदर आई साइज डिक्रीज और आई लेंस बिकम्स लेस कन्वेक्स, आई लेंस बिकम्स लेस कन्वेक्स। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? ये जो रेज है, ऑब्जेक्ट पास रहता है तो रेज क्या होता है, ऐसे जाके गिरने के बाद ये रेटिना में कन्वर्ज होना चाहिए, राइट? यहां पर क्या होता है, रेटिना से पीछे चला जाता है। प्रॉब्लम होता है क्या, कन्वर्ज करता है रेटिना से पीछे जाकर। तो अगर रेटिना से पीछे जाकर कन्वर्ज करता है, इसको ठीक करना होता है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, सामने राइट, वो और भी कन्वर्ज करवाता है तो पहले कन्वर्ज हो जाता है। सो यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। थर्ड इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। सो व्हाट इज प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया में क्या होता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक साथ होता है। हाँ, जनरली फॉर द एजेड पीपल दिस कम्स विद द एज। क्यों? तब सिलियरी मसल्स का जो टेंशन इफेक्ट है वो कम हो जाता है, दे बिकम वीक। तो इसलिए क्या होता है, सिलियरी मसल्स
आई लेंस का जो फोकल लेंथ चेंज करवा पाता था वो चेंज नहीं करवा पाता है, तो उन लोगों को एक सर्टेन डिस्टेंस में ही दिखता है, उससे ज्यादा दूर भी नहीं दिखता है, ज्यादा पास भी। तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बाइफोकल लेंसेज यूज करना पड़ता है। बाइफोकल लेंसेज मतलब जहां पर ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव पावर रहता है और नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव पावर। दूर देखने के लिए ऊपर वाला पोर्शन से दिखते हैं और नजदीक देखने के लिए, हाँ, सो दे यूज यूजिंग बाइफोकल लेंसेज। ऐसे होता है, अगर ऐसे किसी किसी का देखना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उन लोगों का चश्मा का ऐसे पार्टीशन रहता है या ऐसे पार्टीशन रहता है, सो दैट इज बाइफोकल लेंसेज। अभी जो लेंसेज निकल रहा है दे आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज, जहां पर ये पार्टीशन को दिखता ही नहीं, ठीक है। पीपल आर स्मार्ट, सो देख के नहीं लगेगा कि उसको प्रेस बार किया है, लेकिन एक्चुअली लेंस करेक्टली देखने से तभी पता चलेगा कि उसको प्रेस बार किया। सो प्रेस बार किया कैन नॉट सी लार्ज वेरी क्लोज डिस्टेंस, कैन नॉट सी वेरी फार डिस्टेंस, मतलब वेरी फार भी नहीं दिखता है, वेरी क्लोज भी नहीं दिखता है। रीजन, ओल्ड एज, weakening of ciliary muscles. Astigmatism. What is astigmatism? देखना तुम लोग, अगर जिन लोगों का negative power है, when you go for consulting the doctor, बहुत जनों का पावर दो पार्ट में दिखा जाता है, एक सिलिंड्रिकल होता है, एक स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस होता है। जिन लोगों का सिर्फ स्फेरिकल होता है उन लोगों को सिर्फ मायोपिया है, लेकिन जिन लोगों का सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों रहता है उन लोगों को एस्टिगमैटिज्म। एस्टिगमैटिज्म में क्या होता है, आई लेंस जो है वो स्फेरिकल होना चाहिए, उसके जगह वो थोड़ा सा सिलिंड्रिकल कर्वेचर में आता है। अब बोलो सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में शेप डिफरेंस क्या है, दोनों ही तो कर्व्ड है ना, शेप डिफरेंस क्या, डिफरेंस क्या है, कोई बता पाएगा? स्फेरिकल लेंस में एक टॉप रहता है, उससे तुम कोई भी डायरेक्शन में जाओ नीचे उतरते हो तुम, राइट। और सिलिंड्रिकल लेंस में क्या होता है, एक लाइन पे तुम नीचे उतरते हो, दूसरा लाइन पे तुम कहीं नहीं जाते, सेम हाइट पे रहते हो। इज अ डिस्टॉर्शन विद द इमेज, मतलब जो इमेज हम लोग देखते हैं वो एक डायरेक्शन में ब्राइट दिखता है, दूसरा डायरेक्शन में डल दिखता है। सो मतलब हमारा आई जो है उसका सिलिंड्रिकल पावर पर, अगर एक आई का सिलिंड्रिकल पावर है या नहीं चेक करना है, बहुत सिंपल सा चीज है। अगर तुम ऐसा चार्ट को लाइन बनाओगे इक्वल इंटेंसिटी का और उसको देखोगे दूर से विदाउट योर स्पेक्स, तुम देखना कोई भी एक लाइन होगा जो सबसे क्लियर दिखेगा और कोई एक दूसरा लाइन होगा जो इससे परपेंडिकुलर रहेगा और वो सबसे ब्लर दिखेगा। देन यू हैव dullest, तब यू हैव एस्टिगमैटिज्म। हाँ ठीक है, सब ठीक है, सब इक्वली डल है, हाँ है, हो सकता है इंटेंसिटी कम हो गई, नॉर्मल ड्राइंग में इंटेंसिटी कम, हाँ तब अलग बात है। डन, लेट्स कम बैक, लिसन, एस्टिगमैटिज्म किस लिए होता है, सिम्टम क्या होता है, डायरेक्शनल डिस्टॉर्शन, directional distortion in view, directional distortion in view माने जगह में कुछ नहीं, astigmatism, 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 directional distortion in view, reason क्या है, change of eye lens shape from spherical
टू सिलेंड्रिकल, और ओल्ड एज वीकनिंग ऑफ सीएडी मसल्स, वीकनिंग ऑफ सीएडी मसल्स, और चेंज ऑफ आईलैंड्स शेप फ्रॉम स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, फ्रॉम स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल। और इसमें क्या है, इसमें यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेस। इफ दोज हु हैव नेगेटिव पावर, अगर उन लोग डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तब नेगेटिव पावर जब लिख रहे हैं हम लोग, अगर वो नेगेटिव पावर दो अलग अलग पोर्शन में लिखते हैं मतलब उन लोगों का सिलेंड्रिकल लेंसेस है, एक स्फेरिकल लेंस एक सिलेंड्रिकल। Anyhow, that is all the problems. इसको छोड़ के और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है विद एज एंड दैट इज कैटरेक्ट। तो उसमें क्या होता है, देयर इज अ ओपेक लेयर फॉर्म्ड ऑन द लेंस, तो जो अभी वो ओपेक लेयर को हटा देते हैं तब वो क्लियर हो जाता है एंड क्लियरली हम लोग को दिखता है।